सब्सक्राइब कीजिए कुंडलनी जागरण को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको मिल सके हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। उनसे बड़ी मेहनत की है कि लोगों की कुंडलिनी जागृत हो जाए, और हो भी गई। कल तो बहुत ही लोगों की जागृत हो गई, एक मंदिर में गए थे। और लेकिन जो सबसे बड़ी मुश्किल मुझे नजर आती है वो ये कि जागृति के बाद भी लोग उस जागरण को संभाल नहीं पाते। एक तो उसको समझ भी नहीं पाते हैं और संभाल भी नहीं पाते। उसकी वजह यह है कि हर चीज को वो अपने बुद्धि पर लाना चाहते। जब कुंडलिनी का जागरण हो जाता है और जब वो ब्रह्मरंध्र को छेदती है तो आपके हाथ से ठंडी ठंडी हवा जैसे आने लग जाती। मेरी मैं जब मैं अगर बैठी हूं तो आप तरफ आएगी, जब मैं नहीं हूं तो आपसे ऐसे निकलती हुई नजर आएगी। ये इसकी पहचान, इसको ही चैतन्य लहरी कहते हैं, सौंदर्य लहरी कहते हैं। और ये घटना करने से होती नहीं है, ये होने से होती है। ये सहज घटना है, सहज। सह का अर्थ अपने साथ, जो माने पैदा हुआ अपने ही साथ। जैसे हमारे नाक कान मुंह अपने ही साथ पैदा हुए। जब हम पैदा हुए तभी हमारे साथ ही सब पैदा हुए हैं, और हमारी श्वसन क्रिया भी, जो भी क्रियाएं हैं वो भी अपने साथ ही आएंगी। हमारा सारा जो कुछ जीवंत कार्य है वो भी सहज ही होता है। माने एक फूल से फल होना भी एक सहज क्रिया। सहज माने जो जीवंत क्रिया है वही सहज क्रिया होती, और सहज योग ये जीवंत क्रिया। आज उसका परिवर्तन महायोग में हो गया, माने हजारों लोग इससे पार हो सकते हैं। होने को तो हजारों होते हैं और हुए भी हैं, लेकिन पार करने के बाद भी लोगों में इतनी क्षमता नहीं है कि उसको संजो ले। कि जैसे एक अंकुर को बीज से निकल आने के बाद संजोना पड़ता है, उसी प्रकार कुंडलिनी के जागरण के बाद भी उसको संजोना पड़ता है। उसके अनेक कारण हैं। कुंडलिनी का जागरण करना तो बहुत आसान चीज है, उसके लिए जो इसका अधिकारी, सबके बूते का बिल्कुल भी नहीं, बहुत ही कठिन बात है। जो इसका अधिकारी होगा वो इसको आसानी से लीलामय तरीके से जागृत कर सकता है। और अगर कहता है कि बहुत मुश्किल है तो इसका मतलब है वो, उनको अधिकार नहीं है, वो बेकार में कोशिश कर रहे, उनको करना ही नहीं चाहिए। समझ लीजिए ये आपका मंदिर है और इसके अधिकारी कोई साहब है, तो उनके लिए इसके अंदर प्रवेश करना बिल्कुल ही आसान चीज है, क्योंकि उनका अपना ही, उनकी मिल्कियत है। बस ताला खोला और अंदर चले आए, कुंजी भी उनके पास में। लेकिन अगर कोई और इंसान जिसका इस पे कोई भी अधिकार नहीं है वो अंदर आना चाहे तो उसके लिए असंभव की बात होती है, और वो कोशिश करेगा तो ये तोड़ेगा वो फोड़ेगा इधर आएगा उधर आएगा, और सब काम जो होगा अनधिकार होगा। और अनधिकार चेष्टा से कुंडलिनी कभी भी जागृत नहीं होने वाली, कभी भी जागृत नहीं होती। कारण जैसे मैंने पहले भी बताया है कि हमारे कुंडलिनी का जो रक्षक है, आप लोगों के अंदर जो कुंडलिनी शक्ति, उसका रक्षक जो है वो श्री गणेश। और श्री गणेश जो है वो कुंडलिनी के घर से बाहर जमा हुआ है, हर समय जागृत है आपके अंदर। जब श्री गणेश सुप्त हो जाते हैं तो आपको भी होश नहीं होता। जब तक आपको होश है तब तक श्री गणेश जागृत रहते। ये शक्ति हमारे अंदर है और जागृत होती है, ये आपको सिद्ध करना होगा। क्योंकि आदि शंकराचार्य ने कहा है कि हमारे अंदर कुंडलिनी शक्ति है, और जब तक ये मां जगदम्बा जागृत हमारे अंदर नहीं होती है तब तक हम तो अनन्य नहीं हो सकते, क्षेत्रज्ञ नहीं हो सकते, नहीं हम परमात्मा को जान सकते हैं, क्योंकि आत्मा ही को जाना नहीं, तो हमारी जागृति होनी चाहिए। अब सबसे कमाल यह है कि इस भारतवर्ष में, इस योग भूमि में जो जो दृष्टा हो गए, बड़े बड़े ऊंचे दृष्टा हो गए, उन्होंने सब ने कुंडलिनी पर काफी लिखा। ये नहीं मैं कहूंगी कि हर बात लिख गए, कम से कम आदि शंकराचार्य के बाद तो बहुत ही सफाई से लोगों ने लिखना शुरू कर दिया। जैसे कबीरदास जी थे,
शंकराचार्य ने लिखा, उसको फिर से पूरी तरह से कबीरदास जी ने भी लिखा। महाराष्ट्र में ज्ञानेश्वर जी ने काफी खुले तरीके से इस पर कहा। इसके अलावा नाथपंथियों ने इस पर बात करी। नानक साहब ने कहा, जो भी संत साधु आए हैं इस संसार में, चाहे वो मुसलमान हो चाहे हिंदू हो, सबने कहा कि हमें फिर से जन्म लेना चाहिए। सारे शास्त्रों में लिखा हुआ है, वेद में भी लिखा है कि जब तक आप विद नहीं होते, माने आप जब तक इसे जानते नहीं हैं, तब तक ये वेद बेकार है। किसे नहीं जाना है? जानना सिर्फ उस परम तत्व को जो आत्मा स्वरूप है, उसे जाना है। अगर जब तक नहीं जाना, सब व्यर्थ है। मंदिर जाना भी व्यर्थ हो जाएगा, मंदिर बनाना भी व्यर्थ हो जाएगा, सारे आपके व्रत वैकल्य भक्ति सब बेकार हो जाए, आपका सारा पांडित्य आपका विद्वत्ता सब बेकार है, अगर आपने अपनी आत्मा को नहीं जाना। और आत्मा को जानने के लिए ही जो लिखा गया है वो है वेद। गीता भी वही है, उपनिषद भी वही है, और सारे धर्मों का सार यही है। ईसा मसीह ने भी कहा है कि जब तक आपका पुनर्जन्म नहीं होता है, तब तक आप परमात्मा को नहीं जान सकते। मोहम्मद साहब ने भी कहा है कि आपको पीर होना पड़ेगा, उससे पहले आप मेरी बात नहीं समझ पाए। जब लाओत्से ने भी यही कहा है, और विदितामा ने भी यही कहा है, और खलील जिब्रान ने भी यही कहा है, और संसार के सोक्रेटिस और जितने बड़े बड़े गुरु हो गए, और जितने बड़े बड़े दृष्टा और अवतरण हो गए, सबने जब एक ही बात कही है, तो इसका मतलब यह है कि हम बेकार ही की बातें लेकर झगड़ा करें। विशेषकर हमेशा जब कोई भी असलियत की बात करता है, सत्य की बात करता है, तो कुछ पढ़े लिखे हुए पढ़त मूर्ख उन्हें कहना चाहिए, उस बात को लेकर अपना झगड़ा करना शुरू करे। आदि शंकराचार्य के समय में भी ऐसे एक महामूर्ख थे शर्मा करके, और उन्होंने उनसे बहुत वाद विवाद करे। बहरहाल बुद्धि के स्तर पे भी आदि शंकराचार्य ने उनको हरा दिया था। बुद्धि के स्तर पे भी इस चीज को समझाया जा सकता है, कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन पाना जो है ये बुद्धि से परे, विचारों से परे। क्योंकि जो बुद्धि है, जो बुद्धि से परे चीज है, इसको पाना है वो बुद्धि से परे है। जो असीम है वो सीमा से नहीं पाया जाता, उसे छोड़ना होगा। छोड़ने का मतलब नहीं कि आप निर्बुद्ध हो जाएं, उससे परे होना होता है। जैसे अब मैं यहां आई, मोटर से आई, जब मुझे हॉल के अंदर आने का है तो मोटर बाहर छोड़नी पड़ी ना। जब दूसरे प्रांगण में जाना है तो जो हमारा वाहन है उसे छोड़ करके हमें उस प्रांगण में उतरना पड़ता है। उस जगह जाना है जिसे कि हमारे अंदर की स्पेस कही है, जिस जगह निर्विचार समाधि हमें लगे। पहली बात, ये सब कह गए, सबने ये कहा हुआ है, लेकिन हमारा चित्त आत्मा की ओर नहीं। हम परमात्मा से क्या क्या मांगते हैं? उनसे मांगते हैं कुछ ना कुछ संसार की चीज। कोई कहता है हमको घर दो, कोई कहता है हमको द्वार दो, कोई कहता है ये दो, कोई कहता है वो दो। चलो, कुछ ऐसी वैसी बातें भी होती हैं, तो परमात्मा कहते चलो इनको दे दो, कोई हर्ज नहीं। लेकिन वो परम नहीं, आपकी सूझबूझ की कमी, आपने जो मांगा उसमें सूझबूझ। और इसी वजह से बहुत से अजीब तरह के आजकल लोग निकल आए, जो आपको गलत सलत चीजें देते हैं और भरमा देते हैं। और जब इस तरह के गुरुओं के पास गए हुए लोग हमारे पास आते हैं, तो वो फिर से उन्हीं के चक्कर में चले जाते हैं, बड़ी मुश्किल से छूटता है फिर, क्योंकि उन्होंने गलत रास्ते चला दिए। जैसे कि कोई आदमी कहता है चलो भाई तुम ऐसा करो कि 7 दिन का उपास करो, और हमारे लिए आप इतना ला करके रुपया दे दो, बस काम खत्म। अब ये बताइए कि उपास करने से परमात्मा कैसे मिलेंगे? मेरे अभी तक समझ नहीं आ रहा कि इंसान ऐसे कैसे सोचता है। क्या आपको शरीर उठ करके, आपका शरीर वहां भगवान के पास जाने वाला है क्या, इसे हल्का फुल्का कर रहे हैं? एक सीधी सरल बात है। इस पर बहुत लोग खासकर मंदिरों में मुझसे नाराज हो जाते हैं जब मैं कहती भाई उपास नहीं करो, उल्टे खुश होना चाहिए कि माँ का धर्म तो अच्छा है, इसमें उपास नहीं करने देती माँ। मैं ये नहीं कहती कि उपास नहीं करो, लेकिन परमात्मा के नाम पे क्यों सुतक कर रहे हो भाई? उनके नाम पर खुशियां मनानी चाहिए,
जिस दिन गणेश जी का जन्म है, हनुमान जी का जन्म है मंगलवार के दिन, उस दिन उपास करें। आप बताइए, आपके घर में कोई अगर बेटा पैदा हो, बुद्धि में तो लगानी चाहिए, उस दिन क्या उपास किया जाता है?